हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं आप विद शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इससे पहले मैंने शॉर्ट ट्रिक अपलोड की थी स्क्वायर की, जिन जिनके एंड में 5 होता है यानी कि 5 होता है उनके लिए। पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कोई भी डिजिट लेके आए उसका स्क्वायर निकल जाए विद इन सेकेंड। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और दोस्तों, जो भी अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके अभी बेल आइकन को ऑन रखे ताकि जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी बात हम वीडियो के एंड में कर लेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा भाई। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर हमें स्क्वायर निकालना है 50 के नज़दीक की किसी भी डिजिट का, यानी कि 50 के किसी भी नज़दीक डिजिट का, या तो इधर और या फिर इधर, यानी कि 50 से कम या 50 से ज़्यादा कोई भी डिजिट का स्क्वायर निकालना है, तो हमें सबसे पहले 25 बेस मानना है। 25 आपके दिमाग में रहना चाहिए कि 25 से होगा, मतलब सारा खेल जो होगा इस ट्रिक का 25 से होना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक लेके दिखाता हूँ। जैसे हमें 51 का स्क्वायर निकालना है, तो 51 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें 25 से क्या खेलना है, 25 लिखना है। और ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, 1। तो यानी कि इसमें 1 प्लस कर लेंगे तो कितना हो गया है, 26। यहां तक तो कोई दिक्कत। अब इस 1 का स्क्वायर कर लेंगे, जो ये 1 बच गया इसका स्क्वायर कर लेंगे। और इसका स्क्वायर में हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 0 1 लिखेंगे। अगर कोई इस यहां पे डिजिट यानी कि 58 होता है, 57 होता, तो उसका स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64, उसका 64 होता तो हम फिर 0 लगाते, फिर 64 लिख देते। अभी जिनका स्क्वायर मतलब 1 डिजिट का होता है तो उनके लिए सिर्फ यहाँ पे 0 लगा के लिखना है। ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो दूसरा देखते हैं। दूसरा मैं 52 ही ले लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, 52 का स्क्वायर ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2। यानी कि 25 में प्लस 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, 27। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले मतलब बिल्कुल सिंपल है अगर आप सोचो तो। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे 2 लिखा है, इसका स्क्वायर कर देना है, बस यही हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो और 2 कैसे लिखना है, 0 लगा के, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक और लेते हैं, तीसरा। अब की बार ले लेते हैं 56 ले लेते हैं, 56 का स्क्वायर। तो 56 आपका जो 50 से देखा जाए तो कितना ज्यादा है, 6। तो 25 में 6 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, 31। यहां तक कोई दिक्कत। अब हमारा क्या, किसका निकालना है, 56 का। 56 में 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36। तो ये 36 लिख देंगे। दोस्तों, यहां तक कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि थर्ड क्वेश्चन तक मुझे दिक्कत थी। ठीक है, अगर आप ऐसा मतलब एक बार और वीडियो को देख लिया करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो 2 बार रिपीट कर लिया करें वीडियो को। ठीक है, एक और देखते हैं चलो। अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई तो आप ये जो जो स्क्वायर होते हैं ना 50 के नज़दीक के, बहुत स्क्वायर होते हैं और ये विद इन सेकेंड हो जाएंगे, आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। फोर्थ देख लेते हैं, 58 का, 58 का स्क्वायर। 58 में 50 से कितना ज़्यादा है, 8। तो यानी कि 25 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 33। यहां तक कोई दिक्कत। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो 64 लिख लेंगे, आपका ये आंसर आ गया। मुझे लगता नहीं, अगर आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई, अगर हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। अब मैं बात कर लेता हूं जो डिजिट 50 से कम होती है। ठीक है, मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी है तो इसलिए मैं आपको अभी इतनी शायद अच्छी तरीके से ना समझा पा रहा हूं, पर आप जरूर कोशिश करिएगा समझने की। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो भी जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, जितनी भी वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ सारी जल्दी में बनाता हूँ। ठीक है, तो जैसे आपका 49 ले लेते हैं, अब 49 का स्क्वायर निकालना है, तो 49 50 से कितना ज़्यादा है, सॉरी कितना कम है, 1। तो 25 में से 1 कम करेंगे, सॉरी मैंने कर दिया, 1 कम करेंगे 25 में से, कितना आ जाएगा, 24। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 1, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, एक और लेते हैं, 47 ले लेते हैं। ठीक है, 47 का स्क्वायर, 47 50 से कितना कम है, 3। तो 25 में से 3 माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो कितना आ गया आपका, 23।
टू, और यहाँ पे कितना 47 कितना कम है, थ्री, और थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन, तो 0 9 लिख लेंगे। ठीक है चलो एक और देख लेते हैं इसका, फिर इस ट्रिक का मैं पूरा हो जाएगा काम। 40 कितना लूँ, 46 ले लेता हूँ, ठीक है 46 का स्क्वायर करते हैं, तो 46 50 से कितना कम है, 4, तो 25 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21, और 6 का स्क्वायर कर लेंगे फिर, ठीक है 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मैं यहाँ तक आपको समझा पाया होगा, और नेक्स्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट ट्रिक है आपकी, इससे आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं, पर ये उसके कंपैरिजन में थोड़ी आपको हार्ड लगेगी, ठीक है वैसे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है तो इसको भी देख लेते हैं, जैसे किसी भी डिजिट को ले लेते हैं, 57 का स्क्वायर निकालना है, 57 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें सबसे पहले तीन आपको ऐसे लाइन खींच लेनी है, सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा। अब इसमें क्या करना है, जो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, कितना होता है 49, तो हमें 9 यहाँ पे लिख लेना है, 40 कैरी यहाँ पे लिख कर लेना है। ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर लिख लेना है इसके नीचे, इसका स्क्वायर कितना होगा 25, इसका कैरी हमें नहीं लेना है क्योंकि इसमें इस साइड में कोई डिजिट नहीं है। ठीक है इसका कैरी लेना है और इसका कैरी यहाँ पे लेना है, अगर यहाँ पे दो डिजिट आती है तो इसका कैरी यहाँ पे लेना है। इस यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी, जो यहाँ पे आएगी इसका हमें पता चलेगा पहली डिजिट का स्क्वायर, दूसरी डिजिट का स्क्वायर, यहाँ पे कौन सी डिजिट का स्क्वायर लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है और इसकी कर देनी है। ठीक है इतनी बात आप समझ गए, तो इन इनकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 7 × 5 = 35, और 35 की 2 में करेंगे 70, तो यानी कि 70 का हमें 0 लेनी है, पूरा 70 नहीं लिखना और 7 हमें लिखना है यहाँ पे। इतनी चीज आपकी समझ में आ गई, तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन हो गया है बिल्कुल आपका सिंपल, ये आपका हो जाएगा 9 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, यही आपका स्क्वायर आ गया। ठीक है आप, और ये अच्छी बात ये है कि अगर आप इसको समझ लेते हैं तो इससे आप कोई भी क्वेश्चन का स्क्वायर, किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है इसका एक और देख लेते हैं हम, जैसे निकालना है 86 का स्क्वायर। ठीक है अभी थोड़ा स्टेप वाइज समझते हैं धीरे धीरे, सबसे पहले हमें यहाँ पे तीन लाइन खींच लेनी है, इतनी चीज समझ में आ गई, और फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है पहली डिजिट का, कितना हो गया 36, 36 का हमें 6 ले लेना है, और 3 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर कर लेना है, इसका स्क्वायर कितना होगा 64, तो हमें 64 कंप्लीट यहां पे लिख लेना है। इतनी चीज आपकी समझ में आ गई, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, 8 की 6 में और 6 की 2 में इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है 8 × 6 = 48 और 48 की 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 96, 96 का हमें पूरा 96 नहीं लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे हमें 6 लिख लेना है और जो 9 होगा वो कैरी यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है अगर आप इतनी चीज समझ गए तो आपका स्क्वायर आ चुका है 6, ये आपका कितना हो गया यहाँ पे 9, और ये कितना हो गया आपका 73, 7396 आपका आंसर आ चुका है। और इस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन जो मैं अभी 50 की नजदीक वाले बता रहा था वो भी कर सकते हैं, प्लस आप जो कोई भी डिजिट का आप स्क्वायर निकालते हैं वो भी कर सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज होनी चाहिए, आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी बनी है मेरे, मैंने स्पीड से, मतलब कि थोड़ी क्वालिटी इसकी सही नहीं है, पर आपकी समझ में आना चाहिए, मेरा मोटिव है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक बता दूँ। जब तक मैं सारे चैप्टर स्टार्ट करूँ, चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाले हैं हम 2 या 3 तारीख से, तो उससे पहले जितनी भी आपकी कैलकुलेशन की ट्रिक है वो मैं आपको मैक्सिमम बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप सभी जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड ट्रिक है वो सभी आप कवर कर लें, और आपकी कैलकुलेशन सही हो जाए, तो कैलकुलेशन सही होगी तो आप क्वेश्चन भी जल्दी कर लेंगे। ठीक है अब इन ट्रिक को आप जितनी हो सके सभी ट्रिक, मतलब सभी डिजिट का स्क्वायर निकाल के देखिएगा, अगर आपसे इजीली कर लेते हैं, देखो एक तो आपको बता दूं, 1 से 25 तक तो आप याद कर लो, ठीक है 10 तक तो यार सभी के याद होते हैं, और ऊपर आपको देखो जैसे मैं 10 से ऊपर वाली भी बताता हूँ, जैसे हमें 12 का स्क्वायर निकालना होता है,
ठीक है, 12 का स्क्वायर में हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 का स्क्वायर लिख लेना है 4, फिर 2 का इसमें कर देना है प्लस 1 करके, यानी कि 1 + 1 2, और 2 की इसमें कर देना 4, और ये हो गया 1। कुछ भी नहीं होता, हर चीज ट्रिक होती है। अगर आप खुद करके देखें ये चीजें तो सब ट्रिक आप खुद भी बना लेंगे। जैसे इसका देखते हैं, 3 * 9, 3 का इसमें करेंगे प्लस 1 करके, 1 में प्लस 1 करके और 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 * 2 = 6, और लिख लेना है 1।